हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ ईडी ऑनलाइन क्लास में। बच्चा ठीक है, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका सेट नंबर 5 था, कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज नहीं चल पाया था। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहला ही, जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, कैनियन दर्रे का निर्माण होता है ये किसमें होता है आपका, हवा से, नदी से, ग्लेशियर के द्वारा या समुद्र की लहरों के द्वारा, किसके द्वारा कैनियन दर्रे का निर्माण होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ध्यान देना बच्चे, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, तो ये नदी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। अब यहाँ पे कुछ कभी कभार इश्यू आ जाते हैं, टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता होती है तो कुछ इश्यू आ जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, यहाँ पे डल झील ऑप्शन में दिया आपका, मानसरोवर या शेषनाग झील या बुलर झील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका, कि ये झील का उद्गम स्थल कहाँ पे आपका, तो ये है आपका कहाँ पे बच्चा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका, तो कहाँ पे स्थित है बच्चे, यार बी मानसरोवर लेक पर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। आप लोगों के पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन ग्रुपों पे शेयर भी करते रहिए, सभी लोग शेयर भी करते रहिए। और साउंड का कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, साउंड वगैरह का तो इश्यू तो नहीं आ रहा, सब कुछ क्लियर है, अभी तो क्लियर होगा बच्चा, सभी कुछ क्लियर होगा, साउंड का कोई इश्यू तो नहीं होगा, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, साउंड वगैरह का इश्यू तो नहीं आना चाहिए। भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। जियोग्राफिकल विच ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, हिमालय रेंज, विंध्याचल या अरावली या सतपुड़ा रेंज, कौन सी सबसे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आएगा आपका, यानी कि सी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, जवाहर सागर बांध। ठीक है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ऑन विच रिवर ऑफ द जवाहर सागर जो डैम आपका लोकेटेड है, यानी कि कौन सी नदी पर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछे आपसे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका, यानी कि चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, किस पर है आपका, तो चंबल नदी पर बना हुआ, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है आपका, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑन विच रिवर ऑफ बैंक, विच रिवर बैंक ऑफ द आपका कुंभ मेला भी यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है आपका, तो ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक शहर महाराष्ट्र के अंदर है, तो ये कौन सी नदी के किनारे है, ऑप्शन में दिए गए आपका गंगा, सतलज महानदी या गोदावरी नदी। सभी लोग लाइक और शेयर भी करते रहिए, जहाँ पे ग्रुप भी आप लोगों के पास, सभी ग्रुपों में शेयर भी करते रहे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा क्लास दोबारा शुरू हो गई तो आप लोग शेयर भी करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बच्चे आपका क्या है, गोदावरी। जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया उसका राइट आंसर क्या आएगा, गोदावरी। अब याद रखना, भारत में कुंभ मेला का आयोजन 4 स्थानों पे होता है। 4 स्थान कौन कौन से हो गए आपके, पहला तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, दूसरा प्रयागराज त्रिवेणी घाट के किनारे, तीसरा आपका क्षिप्रा नदी उज्जैन के किनारे, और उज्जैन सॉरी बच्चा उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, और गोदावरी हो गया आपका नासिक नदी के किनारे। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चंस, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, केरल, गोवा, गुजरात या आंध्र प्रदेश। क्वेश्चंस क्या दे रहा, कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें सही आंसर क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे जिसकी कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है, गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, गुजरात। यहाँ पर ध्यान देना कि कोस्टल लाइन की अगर मैं बात करूँ तो कोस्टल लाइन की लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई कितनी है आपकी, 6 यानी कि 6100 किलोमीटर टोटल लंबाई है। ठीक है, यदि मैं इसमें अंडमान और निकोबार को भी जोड़ दूं तब कितना आएगा आपका, 7516 किलोमीटर आएगा। और सबसे ज्यादा किसकी है, 9 राज्य भारत के समुद्र तट से लगे हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, गुजरात की तट रेखा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत में विच आर द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, तो भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आप पूछता आपसे तो सबसे बड़ी कौन सी है आपकी। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आता आपका खारे पानी की झील, यहाँ से आप लोगों के लिए एक होमवर्क छोड़ देता हूँ बच्चा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता आपका, एक तो आएगा आपका फ्रेश वाटर और एक आएगा आपका कौन सा, सॉल्ट वाटर यानी कि खारे पानी की झील, समझ रहे हो, एक मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ऐसा भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, हाँ
नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या है, पालघाट जो दर्रा है ये किसको जोड़ता आपस में, पालघाट दर्रा किन दो, दर्रे का मतलब क्या होता है, दो पहाड़ियों के मध्य का जो मार्ग होता है उसे दर्रा कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है आपका, दर्रा कहा जाता है। तो पालघाट जो आपका कॉरिडोर कनेक्टेड विच टू स्टेट, केरला कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक, केरला तमिलनाडु या तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। कल ही मैंने आप लोगों को बता चुका था कि आप लोगों को आज ज्योग्राफी और कुछ मिक्स क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है, और जो 100+ से ज्यादा होंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, सी, ये केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है, समझ रहे हो। बहुत बढ़िया, अभिषेक गौरव बच्चा काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कृष्णा हो गया यहाँ पे, अर्चना हो गया, ठीक है, ये बच्चे काफ़ी एक्टिव है, तो सभी लोग भी और लोग भी आंसर देते रहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर क्या है आपका, नोयल और अमरावती किसकी सहायक नदी है, ये दोनों के दोनों किसकी ट्रिब्यूट है, ठीक है, नोयली और अमरावती आर इज द हूज ट्रिब्यूटीज, तो ये किसकी बच्चा सहायक नदी है आपकी, कावेरी गोदावरी यहाँ पे पेरियार हो गया आपका या बेगई नदी की, तो किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, तो ये पेनार यानी कि आपका पेनार नदी का, ठीक है, किसकी सहायक नदी है, पेनार नदी का साउथ इंडिया में। और भारत की सबसे दक्षिणतम रिवर कौन सी है, तो बेगई नदी है। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि इंडिया की सबसे साउथर्न रिवर कौन सी है, तब आपका बेगाई नदी आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, द्वीपों में सर्वाधिक संख्या किस महासागर में स्थित है, विच ओशन हैज द हाइस्ट नंबर ऑफ आइसलैंड, क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है आपका, सबसे ज्यादा आइसलैंड किस पर स्थित है आपके, पैसिफिक ओशंस में, इंडियन ओशंस में आपका, आर्कटिक महासागर में या अटलांटिक महासागर में, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जामिनर आपसे कि विच ओशन हैज द हाइस्ट नंबर ऑफ द आइसलैंड, तो प्रशांत महासागर में या इंडियन ओशन में या किस में आपका, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, कि सबसे ज्यादा जो आइसलैंड स्थित है तो किस में होंगे, जो सबसे बड़ा सागर होगा यानी कि पैसिफिक में, ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर सबसे ज्यादा है प्रशांत महासागर में। गुड इवनिंग शेफू गुप्ता जी, गुड इवनिंग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, वॉट इज द डीपेस्ट ओशन, सबसे गहरा कौन सा है, तो जिसमें मैरियाना गर्त होगा सबसे ज्यादा, जिसमें क्या है बच्चा आपका, मैरियाना ट्रेंच है जिसमें, ठीक है, तो ये किसमें आपका, पैसिफिक ओशन में, तो पैसिफिक ही आएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ पैसिफिक में क्या क्वेश्चन पूछता है आपका, कि जो अग्निवल है, रिंग ऑफ फायर की घटनाएं कहाँ पे होती है, तो पैसिफिक में ही क्या, इसके जो चारों ओर एक्टिव वेल्केनो ज्यादा होने के कारण इसे क्या कहते हैं आपका, रिंग ऑफ फायर की घटना भी यहीं पे होती है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चंस नंबर 13, अटलांटिक महासागर पृथ्वी के यहाँ पे धरातल का लगभग कितना भाग क्या करता है बच्चा, ठीक है, तो द अटलांटिक ओशंस कवर द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच अर्थ सरफेस, तो कितना ये, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा, अटलांटिक ओशन कितना 1/6 एरिया में क्या करता है, कवर करता है, अटलांटिक ओशन कवर द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच द अर्थ सरफेस, तो लगभग लगभग कितना आपका, तो डी आएगा इसका 1/6, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर है, तो प्रशांत महासागर कितना एरिया को कवर करता है, ऐसा भी पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, एवरेस्ट पर सर डीपेस्ट की अगर बात करेंगे हम लोग, सबसे गहरा भी पैसिफिक है, सबसे गहरा भी पैसिफिक है, मैरियाना ट्रेंच उसी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, तो इसका राइट आंसर क्या था आपका, बैचेंद्री पॉल जो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली क्या थी, पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, और ये कहाँ से, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर बच्चा, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, इन्हीं के समय पर क्या होती है कि भारत में क्या, सहायक संधि, आप लोगों ने सुना होगा सहायक संधि की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सहायक संधि भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था, क्वेश्चन नंबर 15, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, और ऐसा भी दो बार चल, यहाँ पे अर्चना बच्चा जो आपने दिया है संतोष यादव, वो दो बार है बच्चा, दो बार अगर आपसे पूछा जाता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, तब संतोष यादव आंसर आएगा आपका, ठीक है। राजेश पोखरियाल करके बच्चा है, इन्होंने भी आंसर दिया है, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, तो ए, इसमें लॉर्ड वेले जली आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग,
और राजेश पोखरियाल जी जहां तक मैं समझता हूँ कि सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, ठीक। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम लोग। किसने 1873 में सत्य शोध समाज की स्थापना करी थी? वो फाउंडेड इज द ट्रूथ और बच्चे यहाँ पे, ठीक है, सत्य शोध समाज की स्थापना किसने करी थी? तो यहाँ पे इसका तो वैसे इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं आता है आपका सोसाइटी, ठीक है, याद रखना। सत्य शोध समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऐसा क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस भी एग्जामिनर पूछता आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सत्य शोध समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1904-05 में, 1904-05 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चंस नंबर 17 की ओर। जवाहरलाल नेहरू द्वारा बच्चा अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई थी, या उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब रहे थे? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या बच्चा आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब रहे? 1929 में, 1927 में, 1921 में, या, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चंस पूछा जाता आपका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका? तो ए इसका राइट आंसर आएगा 1929 में, 1929 में, उससे भी ज्यादा है, ठीक है, एवरेज से भी ज्यादा है बच्चा, ठीक है ना। डीपेस्ट की अगर बात करेंगे तो ज्यादा है, एवरेज तो आपका 8,848 मीटर ऊंचा है, लेकिन ये जो मैरियाना ट्रंच है ये कम आता है आपका 11,000 मीटर के आसपास आता है, समझ रहे हो, ये 11,000 के आसपास आता है जहाँ तक मुझे इसका ध्यान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका? 1929। अगर मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो कब रहे? 1924 में रहे, और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में देंगे कि गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष तो रहे तो कौन से सेशन में रहे थे, ठीक है, समझ रहे हो, 1924 का वो सेशन कहाँ पे हुआ था, ऐसा क्वेश्चंस भी पूछा जाता है एग्जाम में, समझ रहे हो। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चंस क्या आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऐसा क्वेश्चंस भी अगर एग्जामिनर पूछे आपसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं आपके, एक आता आपका एनी बेसेंट यानी कि पहली महिला अध्यक्ष के रूप में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली भारतीय कौन थी तो पहली भारतीय की बात करेंगे तब सरोजनी नायडू, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बेलगांव, बहुत बढ़िया बेलगांव, बहुत बच्चे ने आंसर दे दिया यहाँ पे मुश्ताक आलम करके, ठीक है ना, कर्नाटक बेलगांव, हाँ यहाँ पे बेलगांव के अंदर, ठीक है ना, 1924 में मात्र एक बार करी थी गांधी जी ने, कब, बेलगांव अधिवेशन के अंदर। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ था, यानी कि गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है और इसे किस नाम से जाना जाता है और ये किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज द महात्मा गांधी एंड इरविन पैक्ट की बात करते हैं, तो गांधी और इरविन पैक्ट आपका किस वर्ष हुआ था, ठीक है, ये कॉम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम से था ये भी, ठीक है, गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चंस नंबर 19 का सही आंसर क्या आएगा आपका? तो 1931 में, 1931 में गांधी इरविन जो पैक्ट था आपका, ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जबकि ठीक। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? रिसेंटली अभी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था आपका उसमें भी पूछा था, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, बहुत बढ़िया, 1931 का गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हाँ 1925 में सरोजनी नायडू ने भी करा था कानपुर में जो आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस तरह से आंसर दिया करो आप लोगों के, जो समझ रहे हो, जितनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान होगी उसे कमेंट्स में लिख दिया करो, ठीक। दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे लंबे समय तक, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया था आपका, और याद रखना सबसे लंबे समय तक किसने, तो तुगलक वंश का शासन रहा, बहुत बढ़िया, सबसे लंबे समय तक किस राजवंश का, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे लंबे समय तक कौन, तुगलक वंश का शासन रहा, इस क्वेश्चंस का सही आंसर बी आएगा। क्वेश्चंस नंबर 20 का राइट आंसर क्या था, बी। नेक्स्ट चलते हम लोग, भू राजस्व की दर किसके शासन काल में सार्वधारिक थी, ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लूसेंट को जैसे आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी,
मोहम्मद तुगलक या एमबीटी की बात करते हैं हम लोग, इब्राहिम लोदी या एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक, किसके समय पे बच्चा सबसे ज़्यादा जो क्या थी आपका लैंड रेवेन्यू जो सबसे ज़्यादा थी किसके समय पे थी? तो यहाँ पे याद रखना अलाउद्दीन खिलजी आएगा, ठीक है ना? अलाउद्दीन खिलजी के समय पर सबसे ज़्यादा थी, समझ लो? अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या आएगा आपका? ए, समझ लो। यहाँ पे गौतम गौती करके बच्चे को भी मैं लगभग पहली बार ही देख रहा हूँ, सुनील कुमार यादव जी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, सबसे अधिक सिक्के किस शासन काल के मिलते हैं भारतीय इतिहास में अगर हम लोग बात करते हैं तो? विच पीरियड हैव द मोस्ट कॉइन हैव इज फाउंड आपका, ठीक है, गुप्त पीरियड के या मौर्य काल के या मुगल काल के या वैदिक काल के, अगर हम लोग बात बात करें भारत में। और जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं बच्चा मौर्य कालीन, सबसे ज्यादा जो क्या मिलते हैं बच्चा सिक्के मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? मौर्य कालीन मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? आपको मैंने नौरोज की बात करी कि नौरोज किसके द्वारा शुरू किया गया था, समझ रहे हो? मैंने आपको बताया था कि चहलगामी करके था आपका, ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस तरह से सारी चीजें मैंने आप लोगों को वैसे हिस्ट्री में बताई है, तुर्क के चहलगामी करके आपका, ठीक है ना? तो ये सारे के दीवान है, कोई जो व्यवस्था थी ये किसने शुरू करी थी, सभी चीज़ें आप लोगों को समझाइए, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा जो आपके स्क्रीन के सामने था? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे बच्चे रामकृष्ण संस्थापक? तो स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन रट दीजिए आपका, 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपका? बेलूर मठ, समझ रहे हो, बेलूर मठ के अंदर स्थित है। और 2020 में कोई भी एग्जाम होगा वहां आपको ये क्वेश्चंस मिलने वाला है। इसकी वजह बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी वेस्ट बंगाल जाते हैं तो यहां पे रुके थे, ठीक है। हाँ, यहां पे कृष्णा बच्चे ने आंसर दिया है कि बेलूर मठ इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, अशोक के अभिलेख में उनके बच्चे एकमात्र पुत्र का चर्चा है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में बताया गया तो किसके बारे में बताया गया? तो याद रखना बच्चा किसके के बारे में? तिमिर कर के बारे में, ठीक है, समझो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका? तिमिर के बारे में बताया गया उनके अभिलेखों के अंदर। अशोक के सभी अभिलेखों के बारे में बताया मैंने कि अब अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया, किस अभिलेख में बच्चा उनके धम्म के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हुई है, सभी जो उनके अभिलेख हैं 13 13 अभिलेखों में, तो पहला, पाँचवा, सातवां और 13वां अभिलेख, इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने करी थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा भारत में सहायक संधि की शुरुआत की जाती है, इस सहायक संधि पर साइन करने वाले पहले कौन थे? हैदराबाद या आपका लखनऊ या चेन्नई या कोलकाता, तो कौन सी रियासत ने? तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि निज़ामों ने सबसे पहले सहायक संधि पर, समझ रहे हो, किसने करा था बच्चा? निज़ामों के द्वारा जो क्या थी, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी, तो उस पर हस्ताक्षर करने वाली पहली सब्सिडी जो आपके ट्रेटेड वो कौन थी? हैदराबाद, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो, ऐसा पूछा गया आपका, तो हैदराबाद यानी कि ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? समझ रहे हो, भारत के अंदर सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? दिलीप कुमार जी को मैं कई समय के बाद देख रहा हूँ यहाँ पे, रितेश पाटिल बच्चा ये भी नए हैं शायद, ठीक है, रितेश पाटिल बच्चा भी काफ़ी समय के बाद देख रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक। तो भारत में सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1929 में, किसके सहयोग से? तो ये लगाया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है, इनके सहयोग से। और उस समय पर गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय पर गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, समझ लो, लॉर्ड विलियम वेंटिंग भारत का उस समय पर गवर्नर था, ठीक है। तो इसके समय पे नहीं, सुनील कुमार जी आपने जो यहाँ पे आंसर दिया 1835, उसको मैं बता देता हूँ, वो आपका एक्ट था, 1833 का एक्ट था आपका, इस अधिनियम के तहत होता है, ठीक है, अगर आपसे एक्ट पूछा जाएगा। लेकिन समय सीमा थी आपकी 1929, राजा राम मोहन राय के सहयोग से और लॉर्ड विलियम, देखो अभिषेक गौरव बच्चे ने जो आंसर मेंशन करा है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया है, एक्ट अगर आपसे पूछेगा तो 1833 का, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस है, अच्छा यहाँ पे दामोदर बहगल, ये भी नए बच्चे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम लोग। जैन और बौद्ध धर्मों में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिस पर दोनों धर्मों की असहमति है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों धर्मों के अंदर बच्चा आपका क्या कहा गया, कठोर तपस्या की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों धर्मों के अंदर तपस्या को क्या कहा गया, नहीं माना जाता है, जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म के अंदर। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, भक्ति आंदोलन में आदि पुरुष किसे कहा जाता था। भक्ति जो आप भारत के अंदर भक्ति आंदोलन के हम लोग बात करते हैं, ठीक है, स्पेशली दिया गया आपका भक्ति आंदोलन के अंदर, ठीक। तो भक्ति आंदोलन में, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या है बच्चा आपका, राजा यहाँ पे किसे कहा जाता था, शंकराचार्य को, आदि पुरुष के नाम से शंकराचार्य को जाना जाता था, ठीक है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ठीक। अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन को समझिए, सिलेक्शन चाहिए तो बच्चा समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पे क्या दिया गया, खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका, एक टीम के अंदर यानी कि कितने प्लेयर होते हैं, समझ रहे हो। तो खो खो खेल के अंदर स्पेशली बताया था मैंने आप लोगों को, बेसबॉल, बेसबॉल हो गया आपका, खो खो हो गया, इनमें कितने प्लेयर होते हैं, नौ नौ प्लेयर होते हैं। सभी लोगों ने खेला होगा बचपन में या स्कूल टाइम पे खेला होगा आप लोगों ने, खो खो जो होता है उसमें एक टीम के अंदर नौ प्लेयर होते हैं, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका ए, यानी कि नौ खिलाड़ी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, वह डिड बच्चा आपका बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्वन, ठीक है। बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया गया था, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो आपका आंसर क्या आएगा, बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आएगा, पहली बार सारनाथ में दिया गया था, गौतम बुद्ध के द्वारा अपना, ठीक है। पोलो में चार प्लेयर होते हैं, हाँ पोलो में चार प्लेयर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे क्या दिया गया बच्चा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि सारनाथ के जो स्तंभ लेख है तो वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। कई बार पूछ लेते हैं कि अशोक किस वंश के शासक थे, तो ये किससे थे, मौर्य वंश के। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया, वृहद्रथ अंतिम शासक था। उसके बाद कौन सा आया, शुंग वंश का, यहाँ पे यानी पुष्पमित्र शुंग आया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। व्हाट इज द बच्चा आपका, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या थे, इससे अपरिचित थे, क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आता है, इसका राइट आंसर आएगा आपका बी, वहां पे लौह से वो क्या थे, परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इस सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो ऐसा भी बताया मैंने आप लोगों को, 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भी की गई थी, ठीक है। और यहां पर खोजा जाने वाला पहला स्थान कौन सा था, हड़प्पा था, समझ लो। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। हॉकी में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आपका, डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आसान सा क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई आपकी, तो 1900 में घोषणा की गई थी, और पहली बार कब दिया गया था, 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। और कितनी कैटेगरी में दिए गए थे, पांच कैटेगरी में दिए गए थे, अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। लेकिन 1967 में इसमें एक नई कैटेगरी जोड़ी गई, यानी कि छठी कैटेगरी जो क्या थी आपकी, इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन यहाँ से देखो, वो बेस था, क्वेश्चन आसान था, लेकिन बाकी चीज़ें समझा रहा हूँ आप लोगों को कि अभी वर्तमान समय पर नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, आपके छः क्षेत्रों में दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद यहां से क्वेश्चंस क्या पूछता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी में, अगर मैं बात करूं जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है आपका, ठीक है, मेडिकल है, तो एक कैटेगरी में मैक्सिमम तीन लोगों को दिया जा सकता है, अधिकतम तीन लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जाता है।
नहीं, पीस प्राइस बच्चा आपका नाइन पहले शुरू हो गया था, पीस प्राइस आपका पहले शुरू हो गया था 1969 में, इकोनॉमिक्स में पहली बार अवार्ड दिया गया, समझ रहे हो। इकोनॉमिक्स आपका 1967 में शुरू होता है और 1969 में, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, ऐसा भी याद होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट इन द एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, आपका 5 जून को मनाया जाता है, समझ रहे हो। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका, 5 जून की बात करेंगे हम लोग, तो यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहां पे आपका, तो हेडक्वार्टर इसका कहां पे, नैरोबी में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, नैरोबी केन्या के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है, 5 जून को 1972 में इसकी स्थापना होती है। इस कारण हम लोग क्या मनाते हैं, एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, 2018 में अर्थ ऑफ द चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया, और 2019 में एशिया एनवायरनमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था रमेश पांडे जी, ठीक है। रमेश पांडे क्या थे बच्चे आपके, ये एनवायरनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहां से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। किसी को कहीं पे कोई डाउट होता है आप लोग जरूर मुझे पूछिए, साउंड का इश्यू आता है या अदर इश्यू आता है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ स्टैंड बढ़ाइए आप सभी लोग, बिना नॉन टेक के सिलेक्शन कैसे होगा, नॉन टेक तो पढ़ना ही पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए तो नॉन टेक चाहिए बच्चा, ठीक है। भारत में कब बच्चा, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र का 1945, 1946, 1947 या 1950 में, तो भारत यूएन का जो मेंबर बना था आपका किस वर्ष बना था, तो 1945 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका, 1945 में, ठीक है। यूएन की स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 में, किसके तहत होती है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि यूएन की स्थापना किसके तहत होती है, तो ये होती है बच्चा आपका ब्रेटन वुड एग्रीमेंट 1944 के तहत क्या होती है, यूएन की स्थापना होती है, और इसे यूएन नाम किसके द्वारा दिया गया था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, समझ रहे हो, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। अब अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपका, अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं तो अमेरिका में सबसे लंबे समय तक सबसे ज्यादा बार, यानी कि 3 टाइम बच्चे आपका क्या रहे थे, राष्ट्रपति के तौर पर रहे, और यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष का होता है, और सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति रहने का गौरव भी किसे प्राप्त है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को, समझ रहे हो, जिन्होंने इसे यूएन नाम दिया। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है आपका, ब्रेटन वुड सम्मेलन से या ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से 1944 के तहत यूएन की स्थापना होती है, और इसे यूएन नाम किसने दिया, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो यूएस के सबसे लंबे समय तक क्या रहे बच्चा आपका, प्रेजिडेंट रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, जो भी यहाँ पे अभी ऑनलाइन है सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, या सिर्फ बाउंसर हो रहा है। अब उन लोगों को जिन्होंने नॉन टेक बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, इन द हाइस्ट वाटरफॉल इन वर्ल्ड, विश्व में सबसे, तो आपका मेनाल जलप्रपात हो गया, एंजिल हो गया, जोग हो गया, या नियाग्रा हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन सही आंसर क्या आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर क्या आना चाहिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, एंजिल फॉल, और ये कहां पे आपका, तो ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, कंट्री का नाम क्या आपकी, वेनेजुएला कंट्री के अंदर, ठीक है ना, ये कहाँ पे आपका, वेनेजुएला कंट्री के अंदर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चंस क्या दिया गया आपका, क्वेश्चंस नंबर 38, पूर्व का मोती या रत्न द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, क्वेश्चंस ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। अच्छा क्वेश्चंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस क्या पूछ रहा आपका, ठीक है। सभी लोग जितने भी यहां पे लाइव हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए,
ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, सी श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका को पूर्व का मोती या इसे क्या कहा जाता है आपका, ठीक है, तो रत्न द्वीप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, निम्न में से किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाए आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल आपका पॉलिसी ऑफ द आयरन एंड ब्लड बचा, ठीक है, रक्त और किसकी लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, ऐसा किसके द्वारा अपनाया गया था। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या था, गुलाम वंश का शासक जिसके द्वारा क्या अपनाई गई थी, रजिया हो गए, बलवंत हो गया आपका, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, या मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, किसके द्वारा ये नीति अपनाई गई थी, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आएगा किसके द्वारा, बलवंत के द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी, बी आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 दिया गया, जब पानी को उबालते हैं बच्चा तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सिंपल सा इंक्रीज क्या होगा, समझ रहे बच्चा, ताप नहीं आएगा बच्चे यहाँ पे, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया गया आपका, जब पानी को उबालते हैं ठीक है, तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक, तो बढ़ने लगता है, घटने लगता है, या क्या होता है, एक समान रहता है, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, यहाँ पे डेंसिटी आता है आपका, समझ रहे हो, नहीं, अगर डेंसिटी की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या दिया गया आपका, टेम्परेचर दिया गया, टेम्परेचर दिया गया बच्चा, ठीक है। अगर डेंसिटी की बात करेंगे हम लोग, डेंसिटी आपका अगर पूछा जाएगा तब आपका आंसर क्या आता है, डेंसिटी में आता आपका पहले क्या होता है आपका, घट पहले आपका बढ़ता है फिर घटता है, क्योंकि 4 डिग्री पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, और उसके बाद 10 डिग्री तक आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, डेंसिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक। ऐसा क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चंस क्या दिया गया, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, वर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, ऐसा क्वेश्चंस भी अगर एग्जामिनर पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है ना, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू के अंदर है, काठमांडू यानी कि नेपाल के अंदर स्थित है। ये स्टैब्लिश कब हुई थी आपकी, 1984 में, 1984 में सार्क की स्थापना होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस पर, हिरोशिमा पर अणु जो आपका बम फेंका गया था कब फेंका गया था, ठीक है, एटम बम की बात करेंगे हम लोग, हिरोशिमा पर कब फेंका गया था, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि याद रखना हिरोशिमा और नागासाकी, H6N9 याद रखना, 9 मतलब 9 का मतलब नहीं होता है, समझ रहो, N9 जरूर याद रखना, N और 9, ठीक है, यानी कि नागासाकी में 9 अगस्त को और हिरोशिमा में आपका कब फेंका गया था, 6 अगस्त को। तो ये क्वेश्चंस भी क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, यानी कि हिरोशिमा में आपका 6 अगस्त को बम गिराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाए आपसे तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, कब लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था, तो 1975 में, 1975 में लॉन्च किया गया था भारत का पहला उपग्रह, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पर, अगला क्वेश्चंस, प्रत्येक वर्ष एजुकेशन सॉरी बच्चे यहाँ पे शिक्षक दिवस है, टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष टीचर डे के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाता है आपका 5 सितंबर को। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वर्ल्ड टीचर डे की, वर्ल्ड टीचर डे आपका कब मनाया जाता है, जस्ट एक महीने बाद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चंस क्या दिया गया आपका, 1857 के विद्रोह का क्या कारण, इसका महत्वपूर्ण क्या चेंजेस हुए थे, क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तन क्या होता है इसके अंदर, इसके बाद भारत में एक एक्ट आता है आपका, ठीक है, कौन सा एक्ट आता है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, पहली बार आता है, और इसके तहत क्या की जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन है आपका, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका,
समझ रहे हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका? अगला क्वेश्चन ठीक है, ये रहा बच्चा आपका स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन। रंजीत कुमार जी, पेड कोर्स का लिंक देखो अभी यहाँ पे, अगर टेक्निकल टीम आपका मैसेज पढ़े तो बिल्कुल देंगे, ठीक है। टेक्निकल टीम यदि आपका मैसेज पढ़ेंगे तो पेड कोर्स का लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा डेजर्ट। और ये कहाँ पे स्थित है आपका? अमेरिकन सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। ऐसा क्वेश्चंस भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चंस क्या दिया गया आपका? निर्वासन करके ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो निर्वासन करके जो पुस्तक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई? ऐसा क्वेश्चंस भी अगर एग्जामिनर पूछे आपसे तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा? अच्छा क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सभी लोग कमेंट्स में आंसर भी देते रहिए, सभी लोग आंसर देते रहिए, हर एक क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। तो ये किसका था बच्चा? तस्लीमा नसरीम के द्वारा लिखी गई, ठीक है। ये भी पूछा जाता है आपका एग्जाम में, काफी अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बच्चा आपका। काला कानून किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चंस आ गया आपका कि काला कानून किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ब्लैक लॉ के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, समझ लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भारत शासन अधिनियम, जिसे हम लोग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसे रॉलेक्ट एक्ट भी कहते हैं, समझ रहे हो। तो ये क्या था बच्चे आपका? इसी को, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या था आपका? स्पीड स्लो तो नहीं हो रही है यहाँ पे, स्पीड अगर हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं आप लोगों के बच्चे, ठीक है, यदि अगर स्पीड कम हो रही तो स्पीड ज़्यादा कर लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49, मानवाधिकार दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? समझ लो आपका क्वेश्चन क्या है। ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट इन द एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार, और 26 जनवरी को क्या दिए जाते हैं आपके? भारत रत्न हो गया, पद्म पुरस्कार हो गए, ये सभी दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस नंबर 50 क्या दिया गया? ऋग्वेद में कौन सा भाग विश्व की उत्पत्ति का उल्लेख करता है? ऋग्वेद में कौन सा भाग विश्व की उत्पत्ति का क्या करता है बच्चे यहाँ पे? तो ये दिया गया पहले मंडल में, ठीक है। किसमें दिया गया आपका? ऋग्वेद के पहले मंडल में ऐसा कहा गया विश्व की उत्पत्ति का, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या दिया गया? उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक, ऐसा भी क्वेश्चंस पूछता आपका, ठीक है ना। बिल्कुल अपडेट है सुजीत शर्मा जी, बिल्कुल प्लेलिस्ट अपडेट है। अभी तक मैंने जो आपके प्रीवियस ईयर के आप संबंध में जितने भी क्लास लिए, एग्जाम 2020 प्लेलिस्ट आप खोलोगे तो वहां पे बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे प्लेलिस्ट मेंटेन मिलेगी, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकेंजी, समझ रहो। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? मैकेंजी आएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या आएगा आपका? मैकेंजी, ठीक। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस क्या दिया गया आपका? उत्तरी अमेरिका में बच्चा आपका, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये वैसे आप लोगों को उतना ध्यान नहीं आएगा इस क्वेश्चन के बारे में, काफ़ी डेप्थ में आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम लोग बच्चा आपका। उत्तरी अमेरिका का येल्लो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है? ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है आपका? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, 52 आंसर आप लोग नहीं पता होगा क्योंकि वो क्वेश्चन आपका नॉन टेक वाले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया आपका? 53, येल्लो स्टोन, याद रखना बच्चा, विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क, इसलिए पूछा जाता है ये आपका। विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसी तरह से विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? येल्लो स्टोन। और येल्लो स्टोन कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये है आपका कोलंबिया के पठार पर, ठीक है। कहाँ पे आपका ये? कोलंबिया के पठार पर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, समझ रहे हो। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन से आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ याद रखना विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है आपका कनाडा के अंदर वुड बफेलो नेशनल पार्क।
विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा आता है आपका? तो वुड बफेलो नेशनल पार्क आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, जस्ता और सीसे का खनन मुख्य तौर पर किस खान से प्राप्त होता है? तो ये क्वेश्चंस भी आपका जिंक एंड लेड, लेड बच्चा आपका दम, ये कहाँ से प्राप्त होता है मैनली? तो ये कौन से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं आपके कहाँ से बच्चा? चांदी की खान से, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ए इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपका सिल्वर प्राप्त होती है वहीं से जस्ता और सीसा भी प्राप्त होता है, ठीक, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग बच्चा, सांता आना एक स्थानीय पवन का नाम है उत्तरी अमेरिका के अंदर, तो ये किस क्षेत्र में चलती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी एग्जामिनर पूछ चुका आपका, इन विच एरिया ऑफ द नॉर्थ अमेरिका डज सांता आना, ठीक है ना। क्या दिया गया आपका? सांता आना आपका विंड्स रन, ठीक है, ये कहाँ पे चलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 55, कौन से क्षेत्र में? फ्लोरिडा क्षेत्र में, दक्षिण कैलिफोर्निया क्षेत्र में, अल्पेशियन क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आएगा आपका दक्षिण कैलिफोर्निया के क्षेत्र में चलती है। दक्षिण कैलिफोर्निया विंड है, जैसे जैसे आपकी अलग अलग विंड होती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टरी विंड भी कहते हैं। किसे? हर मटन को, समझ रहे हो, हर मटन को कहते हैं हम डॉक्टरी विंड। और ये कौन से क्षेत्र में चलती है आपकी? तो क्षेत्र था आपका कौन सा? गिनी का तट पे, समझ रहे हो, गिनी की खाड़ी में चलती है आपकी हर मटन, जिसे हम लोग डॉक्टरी विंड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे इशू करके ईएडी, इन बच्चे को मैं काफ़ी पहली बार देख रहा हूँ, जो भी बच्चे यहाँ पे पहली बार जुड़े हैं तो मैं उन लोगों को बता दूँ, डेली आप लोगों की नॉन टेक्निकल क्लास है जो हम लोग प्रीवियस ईयर बेस पे लेते हैं, ये रात में 9 बजे स्टार्ट होती है आपकी और 10 बजे तक का आपका समय रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, कैरिबियन सागर और मैक्सिको खाड़ी की ओर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? जो ट्रॉपिकल क्लाइ, यहाँ पे साइक्लोन दैट द मूव अक्रॉस द कैरिबियन सी एंड मैक्सिको इज द कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बच्चा, इसे क्या कहा जाता है? हरिकेन। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है आपका कि हरिकेन कहाँ पे चलती है, तो हरिकेन जो विंड है आपकी, समझ रहे हो, ये जो पवन है आपकी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिली बिली करके आता है आपका, ठीक है। अगर मैं टाइफू की बात करूं तो जापान में इन्हीं को क्या कहेंगे? टाइफू। अमेरिका में टोरेंडो कहा जाता है, ठीक है। टाइफून की बात करेंगे तो चाइना में टाइफून कह दिया। अभी यहाँ पे जो इंडियन यहाँ पे ओशन की बात करेंगे हम लोग, हुदूद की बात करी थी हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, कौन सा वस्त्र उद्योग मैरीमैक नदी घाटी में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन द मैरीमैक, जो आपका, ठीक है, रिवर पर। तो ये सभी आपके मैनचेस्टर हो गए, ठीक है, ये सभी के सब बच्चे यहाँ पे। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, यूएसए के अंदर बच्चा आपका, ठीक है। लॉरेंस हो गया आपका, लोवेल हो गया, ठीक है। तो ये सभी के सभी किस पर? मैरीमैक जो रिवर है इसके किन वैली के अंदर बसे है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस आ गया आपका। अगला क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन के सामने दिया गया, क्वेश्चंस क्या आपका, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज, भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो पहले कौन थे आपके? सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर थे, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा चीज़ें समझा देता हूँ आप लोगों को। भारत में इलेक्शन कमीशन की अगर बात करेंगे, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिया गया, तो ये P का मतलब है आपका भाग 15 के अंदर ये व्यवस्था दी गई, और आर्टिकल कहाँ पे दिया गया आपका? 324 से 329 में ये व्यवस्था दी गई। उसके बाद यहाँ से क्या बन सकता है आपका क्वेश्चन, कि इसमें कितने सदस्य होते हैं आपके? 3 सदस्य होते हैं। इन्हें कौन चुनता है? भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है। कितने समय के लिए? 6 या 65 वर्ष के लिए, जो भी पहले हो, ठीक है। 6 या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ऐसा भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और सुनील अरोड़ा वर्तमान समय पर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका राइट आंसर आएगा 1953 में, ठीक है। जो वर्तमान समय पर आपका क्या जाना जाता है? नीति आयोग के नाम से, और नीति आयोग आपका 2015 में आता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, भारत की संसद में उच्च सदन के रूप में आप लोग किसे जानते हैं? तो अपर हाउस के नाम से आप किसे जानते हो? तो ये जाना जाता है किसे? राज्यसभा को। और राज्यसभा आर्टिकल आपका
80 के अंदर ये व्यवस्था दी गई है। ठीक है, राज्यसभा क्या है आपका, स्थायी सदन है, ये एक परमानेंट सदन है, स्थायी सदन है, और इसकी व्यवस्था कहाँ पे दी गई आपकी, तो बी राज्यसभा की व्यवस्था यानी कि अनुच्छेद 80 के अंदर दी गई, और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है आपकी 250 होते हैं। समझ लो, राज्यसभा के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 250, 238 आपका कहाँ से, राज्यों से चुन के जाते हैं, और 12 सदस्य आपके नॉमिनेट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अभी अभी राज्यसभा के अंदर सदस्य के रूप में नॉमिनेट किए गए, तो इससे पहले क्या थे बच्चा, वो भारत के सीजेआई थे, यानी कि कौन, रंजन गोगोई। समझ लो, रंजन गोगोई जी को राज्यसभा के अंदर चुना गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा पूछ सकता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को वही चीज बताता हूँ। और अब तक अगर आप लोग पिछले 6 महीने के अंदर यदि आप लोगों ने कोई एग्जाम दिया होगा, तो अब तक उन एग्जामों में देखिए, मैंने खुद एनालिसिस करा, ठीक है, मैं जहाँ तक खुद समझता हूँ उन चीज़ों को, ठीक है, तो हर एक एग्जाम में बच्चे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समझ लो, हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि अकॉर्डिंग में आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से ही क्वेश्चनों की बच्चे तैयारी कराता हूँ, वही क्वेश्चंस आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे, समझ लो। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, राज्य में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी का अधिकार किसके पास होता है, तो ये किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होगा, लेकिन राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन बच्चा लिखित तौर पर, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था अगर फेल हो जाती है तो आर्टिकल 356 के आधार पर राज्यपाल के द्वारा बच्चा क्या दी जाती है, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है आपका। नहीं, हर 2 साल में चेंज तो होंगे, लेकिन उनको पूरा का पूरा कार्यकाल 6 वर्ष का हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारे संविधान में राज्य के नीति सिद्धांत कहाँ से लिए गए थे, तो जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कल भी बताया था मैंने आप लोगों को, कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए थे। और याद रखना, 36 से लेकर 51 तक कोई भी जो आपका आर्टिकल दिया गया, ये कहीं भी चैलेंजेबल नहीं होता है, इसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी ये वाद योग्य विषय नहीं होता है। यदि कोई विषय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर है, तो ये वाद योग्य विषय नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चंस नंबर आपका जो दिया गया बच्चा, पेनिसिलिन जो प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है, तो ये एक एंटीबायोटिक है, और किससे प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है फंगस से, यानी कि कवक से प्राप्त की जाती है, ये भी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, इंसुलिन जो उपापचय को नियंत्रित करता है, रेगुलेट द इंसुलिन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं हम लोग, उपापचय क्रियाएं। ठीक है, तो इंसुलिन किसे करता है, ब्लड शुगर को। ठीक है ना, ये क्या करता है बच्चा, इंसुलिन कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसे रिलीज कौन करता है, तो रिलीज किया जाता है बच्चा पैनक्रियास के द्वारा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अग्न्याशय के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस पर, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछे आपसे, तो आपका आंसर क्या आएगा, स्वराज पार्टी कब स्टैब्लिश हुई थी आपकी, तो ये हुई थी बच्चा 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना होती है, और किसके द्वारा की गई थी, समझ लो, ऐसा क्वेश्चंस भी अगर आपसे पूछा जाता है किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कमेंट्स में आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चंस है, लगभग हर बार आप लोगों को बताता हूँ कि किसके द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी, तो इन पार्टियों के बारे में भी याद होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, तो खिलाफत आंदोलन टर्की के अंदर, यानी कि तुर्की के अंदर, क्या था बच्चा आपका, खलीफा पद से जुड़ा हुआ था। ठीक है, खलीफा पद से जुड़ा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर था आपका। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, गोवा पर किस वर्ष पुर्तगालियों के द्वारा, या किस उस समय पर गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय पर गवर्नर जनरल था आपका अल्फांसो डी अल्बुर्क हुआ करता था। ठीक है, और अल्फांसो डी अल्बुर्क के साथ साथ यहाँ से एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपका, 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया गया था किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, और कब मुक्त हुआ गोवा आपका, 1961 में। ठीक है, हाँ, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी के द्वारा किया गया, यहाँ पे अभिषेक गौरव करके इन बच्चों बच्चे ने आंसर दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस पर, जून 2018 में राज्य सरकार के द्वारा घोषित आंध्र प्रदेश का नया
स्टेट बर्ड कौन सा है, जैसे उत्तराखंड का मूनाल हो गया, अलग अलग राज्यों का अलग होता है आपका, ठीक है। तो उसी तरह से विच इज़ द न्यू स्टेट बर्ड ऑफ द आंध्र प्रदेश डिक्लेयर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जून 2018। ये क्वेश्चंस आपका सीजीएल के अंदर रिसेंटली जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे एसएससी बेस पर, सीजीएल के क्वेश्चंस ज्यादा रखे गए या एसएससी के क्वेश्चंस ज्यादा रखे गए, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, सी रोज रिंगेट बच्चा आपका, ठीक है। रोज रिंगेट पैरट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। रखा गया यानी कि राज्य का क्या रखा गया यहाँ पे, जो स्टेट बर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं, अगर यहाँ पे क्या दिया गया आपका, हॉर्नबिल की बात की गई, ठीक है। तो हॉर्नबिल बच्चा आपका क्या है, एक फेस्टिवल है। हॉर्नबिल कहाँ का फेस्टिवल है, नागालैंड का फेस्टिवल है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल की अगर यहाँ पे बात की गई तो ये कहाँ का, नागालैंड का एक फेस्टिवल है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कहा गया आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉनिटरिंग पॉलिसी, यदि आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए और नॉन टेक्निकल में 40+ मार्क्स चाहिए, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ बच्चा, नॉन टेक में 40+ ही आपका क्या करेगा, स्कोर कवर करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। वो स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी, प्रीवियस ईयर के पेपर को हमें जानना होगा, यानी कि उस बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपरों को हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दूसरा, हमें रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा, यानी करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा और करंट अपडेट, ठीक है ना। पर्टिकुलरली मुझसे नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा मुश्ताक आलम जी, पर्टिकुलरली किसी स्टेट का नहीं पूछता है, आंध्र प्रदेश का इसलिए पूछता है, यानी कोई बदलाव हुआ हो या रेड डाटा में कोई अगर आपका रखा गया हो या कोई नया स्टेट बना हो, इसी वजह से पूछता है, नहीं तो ऐसा नहीं पूछता है किसी राज्य का, ठीक है। स्टेट का बहुत कम पूछता है, समझ लो। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था। और साथ ही साथ अभी जैसे अपडेट की बात करी मैंने, और रिसेंटली कोई भी एग्ज़ाम, अगर एसएससी जेई की बात करते हैं हम लोग, तो एसएससी जेई ने अगर कोई भी एग्ज़ाम कराया, चाहे वो सीजीएल का कराया, चाहे कोई भी कराया होगा, उसे हमें उसके जीएस के क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, इतना रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए, तभी जाके बच्चा सिलेक्शन की हम लोग बात करते हैं, तभी मैं 40 प्लस की बात करता हूं। और वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, इसी वजह से तो आपके पास ये क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, ग्रेशम का नियम था बच्चा, ठीक है। बैड मनी ड्राइव आउट गुड मनी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। बैड मनी बच्चा ड्राइव आउट गुड, यहाँ पे अच्छी बात की गई कि बुरा पैसा अच्छा, समझ रहे हो, ड्राइव करता है। अच्छे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, डांसिंग डियर जो डांस, ये बच्चा आपका संघाई जो है आपका, ये अभिषेक गौरव जी बच्चा जो आपने बताया कि ये कहाँ का, ये मणिपुर का है। संघाई जो उत्सव मनाया जाता है मणिपुर के अंदर, और भारत में एकमात्र डांसिंग डियर यानी कि नाचने वाला जो हिरन पाया जाता है आपका मणिपुर के अंदर, और संघाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर आपका। अगला क्वेश्चंस क्या दिया गया, 2019 में सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता। ये क्वेश्चंस आपका रिसेंटली किसमें पूछा गया, तो ये भी एसएससी के एग्जाम के अंदर पूछा गया। अब एसएससी का आपका कई सारे एग्जाम कराता है, ठीक है, एलडीसी का करा दिया आपका, सीजीएल का करा दिया, अदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं एसएससी के, तो और कितने शिफ्टों में होते हैं आप लोगों को ध्यान होगा, कई बार तो 10 से 15 दिन के शिफ्ट में भी चलता है, ठीक है, 10-15 दिन तक एक ही एग्जाम चलता रहता है, ठीक है। तो अजलान शाह कप आपका हॉकी, तो ये इसका डी राइट आंसर आएगा, कोरिया, समझ रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना। 2019 में सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट चैंपियन कौन रहा आपका, साउथ कोरिया, सॉरी बच्चे यहाँ पे साउथ कोरिया चैंपियन रहा, और तीसरा टाइटल था साउथ कोरिया का, कौन से नंबर का, तीसरा टाइटल था, ठीक है। रनर अप कौन सा था, इंडिया, और थर्ड प्लेस पे कौन रहा यहाँ पे, मलेशिया तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस फेमस ऑफ द चिकन कारी, क्या दिया गया आपका, कढ़ाई की बात करेंगे हम लोग, चिकन कारी जो कढ़ाई के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका डी, लखनऊ को चिकन कारी क्या बच्चा, कढ़ाई के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ लखनऊ से जुड़ी हुई सिडबी, समझ रहे हो बच्चा, सिडबी स्मॉल
यहाँ पे क्या दिया गया आपका, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो 1990 में स्टैब्लिश होता है, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे, सिडबी यानी कि बच्चा आपका कहाँ पे, लखनऊ के अंदर ही स्थित है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं लखनऊ शहर बैंक ऑफ द विच रिवर, ठीक है, लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चंस क्या दिया गया आपका, निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर भाषा बच्चा कोबल का आविष्कार किया, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड इज द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबल, ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बच्चा, ठीक है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ऑप्शन जो आपको बी दिख रहा है बच्चा, इनके द्वारा क्या किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकॉर्थी का नाम आएगा, तो वर्तमान समय पर, ठीक है, अगर आपसे ध्यान होगा कि वर्तमान समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर कोरोना के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ड कीवर्ड अगर चर्चा में है तो वो कौन सा है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, पिछले 1-2 साल से अगर आप लोग देख रहे होंगे, 1 साल से 2 साल तो नहीं, 1 साल से मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला आपका क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस बनता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे बोलते हैं, जॉन मकार्थी को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या है आपका, अगला क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया भी था। क्वेश्चंस क्या दिया गया, कोई विवाद होता है तो इसका अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास दिया गया, ऐसा कौन से आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 71 ऐसा कहता है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई इलेक्शन होता है तो ईवीएम की बात की जाती है, बैलेट पेपर की बात की जाती है। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रपति इलेक्शन पे यदि कोई विवाद होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ बच्चा कहाँ पे निपटा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर निपटा जाएगा, और ये ऐसा कहाँ पे दिया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 71 के अंदर ऐसा कहा गया है। ठीक है, 71 के अंदर ऐसा कहा गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस जो दिया गया आपका, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है, ठीक है, तो ये कौन से नदी पर बनाई जा रही है आपकी, पोलावरम सिंचाई परियोजना, ठीक है, तो ये कौन सी नदी पे बनाई जा रही है, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछे आपसे तो इसका राइट आंसर आएगा आपका गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग बच्चा, जोखा अलर्थी को किस उपन्यास के लिए 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो कोलेस्ट्रल बॉडीज के लिए, क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर आएगा बच्चा आपका क्या, कोलेस्ट्रल बॉडी के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपका, तो ए इसका राइट आंसर आएगा संगीता रेड्डी, संगीता रेड्डी फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, फिक्की के बारे में आप लोगों को मैंने समझाया भी है, और रिसेंटली अब फिक्की के संबंध में आप लोगों ने देखा होगा कि फिक्की के द्वारा अभी भारत सरकार को एक रिपोर्ट भेजी गई और कहा गया कि जो भी डिस्ट्रिक्ट भारत में, समझ लो, फिक्की के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई कि भारत में यदि कोई भी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कोरोना फ्री है तो उन स्टेटों को क्या करना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी स्टेट हो, स्टेट की तो बात नहीं की गई, पार्टिकुलरली किसी सिटी शहर की बात बात की गई। ठीक है, तो आज लोग आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा फिक्की ने एक रिपोर्ट जारी करी थी कि वहाँ से लॉकडाउन हटाना चाहिए यदि किसी सिटी के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। हेलसिंकी किस देश की राजधानी है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हो गया आपका, प्रीवियस में पूछा था मैंने आप लोगों को आइसलैंड की। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपका हरियाणा के अंदर स्थित है राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर बच्चा जो आपका उज्जैन, यहाँ पे क्या है, उज्जैनी डैम बना है किस नदी पर, तो डी आएगा आपका भीमा नदी पर बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, कुंभलगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका डी, राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, तो लास्ट हम लोग बच्चे 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, 90 क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। सीप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सीप किला कहाँ पे आपका, तो ये है आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल के सीएम कौन है वर्तमान समय पे, जयराम ठाकुर, और गवर्नर कौन है यहाँ के, तो गवर्नर आपके कौन है बच्चे, यहाँ पे गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल के वर्तमान समय पे गवर्नर है,
ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? और आज के लिए आपका, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अंतिम क्वेश्चंस होगा बच्चा, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर करे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका सी, असम के अंदर स्थित है। ठीक, तो ये था हमारा आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैंने बताया, यदि आप लोगों के कोई भी सवाल हो और आप उन सवालों के बारे में जानना चाहते हो, यदि आप लोगों को लगता है कोई अच्छी स्ट्रेटजी आपके पास है, तो आप लोग जरूर उस स्ट्रेटजी के बारे में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि एग्ज़ाम 2020 के अंदर हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो आपके सीजीएल में पूछे गए होंगे या आपके अदर एग्ज़ाम में एसएससी ने पूछा होगा, ठीक है, एसएससी के जो अदर एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई वो आपका समझो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे गए होंगे, तो ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपडेटेड क्वेश्चंस जो आपके अभी रिसेंटली अपडेटेड न्यूज़ में रहे, जैसे कोरोना वायरस से जुड़े हुए, यानी कि वायरस से जुड़े हुए मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर मैंने अगर मोदी जी कहीं पर जाते हैं या कोई समझो कोई अपडेटेड न्यूज़ होती है उससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी रिसेंटली कोई एग्ज़ाम हुआ होगा तो वहाँ से क्वेश्चंस लिए गए, तो मेरे एंड से तो पूरी आप लोगों के लिए तैयारी है। ठीक है, अब आपकी तैयारी, आप लोगों को भी अगर लगता है कि इसमें कोई बदलाव होना चाहिए या क्लासों में, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइए, समझ लो। और उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के पास ये नंबर दिया गया 8006211521, इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, जिसका मैं आप लोगों को इसी जगह पे, ठीक है, शिवानी गुप्ता जी एक फिक्स टाइमिंग देखो मैंने आपको बताया, रात में 9 बजे आपकी क्लास शुरू होती है और मॉर्निंग में देखो मंडे से हम लोग रेगुलर क्लासों की टाइमिंग, ठीक है, रेगुलर आपका मंडे से जो क्लास होगी, सोमवार से क्लास आपकी करंट अफेयर मॉर्निंग में 6 AM पे होगी, समझ लो, और एग्ज़ाम 2020 आपकी 9 PM पे होगी, ये दो क्लासें रहेगी आपकी डेली मेरे एंड से। ठीक है, इतना ही नेटवर्क साथ देता है, इतना ही बच्चा डेटा होता है, तो समझ लो। हाँ, फिक्स 9 बजे ही क्लास होती है आपकी, आज कुछ थोड़ा इश्यू आ गया था, 9 बजे क्लास होना था लेकिन थोड़ा दिक्कत आ गई थी, मैंने क्लास तो शुरू 8:55 पे कर दी थी, ठीक है, हाँ इस वजह से डिले हो गया था, मैंने क्लास 8:55 पे शुरू कर ली थी लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण क्लास नहीं हो पाई। तो बच्चा मैं आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, यदि आप लोगों के कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में भेज सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, शुभ रात्रि, धन्यवाद बच्चों। ठीक है, यहाँ पे सुजीत शर्मा जी, बिल्कुल प्लेलिस्ट अपडेट है बच्चा, सभी टेक्निकल की भी प्लेलिस्ट अपडेट है और नॉन टेक्निकल एग्जाम 2020 के नाम से और करंट अफेयर 2020 के नाम से सारी की सारी अपडेट है। ठीक है, तो बच्चा मैं आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहा हूँ, शुभ रात्रि, धन्यवाद। हाँ अभिषेक गौरव जी, धन्यवाद। ठीक,